कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे लेकर संवेदनहीन बने हुए हैं। उन पर कोरोना का कोई असर नहीं पड़ रहा, वो खाली सड़कों पर तफरी मारने के लिए निकल पड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए दिल्ली के मधुविहार थाने की पुलिस ने एक नई तरकीब खोज निकाली है। दिल्ली पुलिस कोरोना संक्रमित मरीज की डेड बॉडी को तफरी मारने वाले लोगों से उठवा रही है। जो लोग फालतू में सड़कों पर बाइक पर घूम रहे हैं, पुलिस ने उनको सबक सिखाने के लिए तरकीब खोज निकाली है। दरअसल ये डेड बॉडी नहीं है, ये एक डमी बॉडी है जिसमें पुलिस का ही आदमी पीपीई किट पहनकर लेट जाता है। दिल्ली पुलिस ये इसलिए कर रही है ताकि लोगों को कोरोना की गंभीरता समझ आ सके। डबल क्यों घूम रहे, पता नहीं मना है। मैंने तुमने दंड किया, गलती की है, हमें वो डेड बॉडी उठा के और सुल्तान घाट लेके चलना है। तो कोरोना का पेशेंट है। चलो 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 उठाओ पीछे, चलो उठाओ उठाओ उठा। कितना नहीं चाहिए बॉडी, कोरोना की बॉडी है। बोलो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कोरोना से बच के रहो, कोरोना से बच के रहो। दोबारा ऐसा अपराध नहीं करूंगा, कोरोना से बच के रहूंगा और दूसरों को भी बताऊंगा। आपने वीडियो में देखा कि पुलिस ने इन लड़कों को रोका, उसके बाद इनसे कोरोना संक्रमित बॉडी को कंधा दिलवाया। अब पुलिस का ये पैतरा ऐसे लोगों के लिए कितना कारगर साबित हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी।